हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आप लोग को एस्क्रिप्ट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में। खांसी के बारे में कुछ घरेलू उपचार बताएंगे, जिसके एक बार के उपयोग से ही आपका खांसी अलविदा हो जाएगा। आप मेरे वीडियो अंत तक देखिए इस नुस्खों को जानने के लिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, खांसी क्यों होता है, आइए जानते हैं। खांसी जुकाम हर बदलते मौसम के साथ आने वाली समस्या है। खांसी बैक्टीरिया या वायरस इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन या ठंडी के कारण हो सकती है। लेकिन हमारे देश में हर परेशानी के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमारे ही किचन में कई ऐसे नुस्खे छिपे होते हैं जिनसे खांसी जुकाम जैसी छोटी मोटी बीमारियां पूर हो जाती है। तो आइए हम आपको बताते हैं खांसी जुकाम में रामबाण ये घरेलू नुस्खे। दोस्तों, पहले नुस्खे, शहद, नींबू और इलायची का मिश्रण। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची, कुछ नींबू के रस के बूंदे डालिए। इस सिरप का दिन में 2 बार सेवन करें, आपके खांसी जुकाम से काफ़ी राहत मिलेगी। टिप्स नंबर 2, हल्दी वाला दूध। बचपन में सर्दी में नानी दादी घर के बच्चों को सर्दी के मौसम में रोज हल्दी वाला दूध पीने के लिए देती थी। हल्दी वाले दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले इसे पीने से तेजी से आराम पहुंचता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रोटीन मौजूद रहती है, जो कि इन्फेक्शन से लड़ती है। इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोटीन सर्दी खांसी जुकाम के लक्षणों में आराम देती है। अब टिप्स नंबर 3 की ओर चलेंगे। दोस्तों, टिप्स नंबर 3, अदरक और नमक। अदरक को छोटे टुकड़े में काटे और उसमें नमक मिलाए, इसे खा ले। इसके रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाएंगे। अब टिप्स नंबर 4 पर चलेंगे। दोस्तों, लहसुन को घी में भून ले और गर्म गर्म ही खा ले। यह स्वाद में खराब हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकदम शानदार है। शहद और ब्रांडी तो पहले ही शरीर गर्म करने के लिए जान जाते हैं। इसके साथ शहद मिक्स करने से जुकाम पर काफ़ी असर पड़ता है। अब टिप्स नंबर 5 पर चलेंगे। दोस्तों, अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय सेवन कीजिए। इन तीनों तत्वों के सेवन से खांसी जुकाम में काफ़ी राहत मिलती है। टिप्स नंबर 5 पर चलेंगे। अदरक तुलसी, अदरक के रस में तुलसी मिलाए और इसका सेवन करें, इसे खांसी में बहुत आराम मिलती है। घरेलू नुस्खा के आपको स्क्रीन पर विधि भी लिखा गया है, आप पढ़कर भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। इस चैनल पर 100% घरेलू नुस्खा बताया जाता है, जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप इस पर 100% विश्वास कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।